तीन कृषि कानून को लेकर लंबे समय से चले आ रहे दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है और किसान घर वापसी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने घर वापसी का निर्णय लिया, जबकि किसानों ने केंद्र सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम देकर घर वापसी पर रजामंदी जाहिर की है। इसी बीच बॉर्डर से लौट रहे किसानों से बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हामिद सैफी ने Time24 न्यूज के लिए खास बातचीत की। कृषि कानून, 2022 विधानसभा चुनाव और अन्य मांगों को लेकर किसानों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। लंबे संघर्ष के बाद किसान दिल्ली के बॉर्डरों से वापस हुए हैं, जब सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को माना जाएगा। इस आश्वासन पर किसान दिल्ली के बॉर्डरों से वापस हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के खुर्जा में, तहसील के बाहर किसान आए हैं शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष बब्बन चौधरी हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ किसानों को आश्वासन दिया गया है, किस तरह की मांग है किसानों की जो मानी गई हैं। सर, स्वागत है आपका Time24 न्यूज़ में। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि लंबे समय के संघर्ष के बाद किसान वापस अपने घर को लौटा है, जगह जगह के जो किसान वहाँ धरना दे रहे थे वो वापस लौटे हैं, तो सरकार के इस फैसले को कितना हित में मानते हैं? जो सरकार ने अब आके फैसला लिया है, तीनों कृषि काले कानून वापस लिए और जो हमारी बाकी की जो मांगे थी MSP और बिजली बिल, ये सारे जो कानून थे उस पर सरकार ने कमेटी गठित की है और कमेटी 15 जनवरी से पहले पहले उसमें संज्ञान लेते हुए उसको लागू कराएगी। ये सारे लिखित में किसानों को आश्वासन मिला है, लिखित में चिट्ठी आई, इसके बाद में किसान खुशी खुशी घर वापस जा रहे हैं। कल बुलंदशहर पंचायती राज मंत्री का आगमन हुआ था भूपेंद्र चौधरी का। उन्होंने कहा था कि हमने किसानों की बातों को मान लिया है, किसान 2022 में हमें सम्मान देने को तैयार है, हम किसानों के हित में हैं। क्या मानते हैं इस बयान पर? देखिए, ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं हम किसानों के हित में हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरीके से 13 महीने किसानों ने सर्दी गर्मी बारिश रोड़ों पर गुजारी हैं अपने घर से दूर, और जिस तरीके से किसानों के प्रति सरकार का रवैया रहा है, गोदी मीडिया का रवैया रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जिस तरीके से आपने देखा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर कीले और कटीले तारे लगाई जाती हैं, इस तरीके से वहाँ बैरिकेड लगाकर कीले और कटीले तार लगाए गए, रोड़ों को खोद दिया गया, ये सारी बातों को किसानों की शहादत को देखाएगा, किसान भी याद रखेगा जिस तरीके व्यवहार सरकार ने किया है किसानों का, किसान मजदूर भी उसी तरीके से व्यवहार करेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बब्बन चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मंत्री जी इनकी बात का सम्मान रखते हैं और किसानों का सम्मान करते हैं तो आने वाले समय में भी उसी तरह मंत्रियों को या भाजपा नेताओं को या भाजपा को उसी तरह सम्मान दिया जाएगा जिस तरह किसानों को भाजपा ने 13 महीने तक बॉर्डरों पर धरना देने को मजबूर किया और किसानों को परेशानी हुई, उसी तरह आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में किसान भाजपा को सम्मान देगा। बुलंदशहर से Time24 न्यूज़ के लिए मैं हामिद सैफी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।